है बट ये ओरिजिनल माल है। और देखो भैया को कैसा फील आ रहा है, जंपिंग जंपिंग ना होए ना होए। और मैंने क्या मदद करी भैकड़ा? चला चुका है पैदल ने, रुका भाई वाला जाप जा चुकी ले। हमारी यहां आवत ने तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सालिन राइडर। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बढ़िया होंगे। और फिर से अभी के बज रहे हैं 2:37। हम जैसा मौसम हो रखा है बट शाम हुआ नहीं है अभी। और मैं आ गया हूँ घर से 2 किलोमीटर दूर और जा रहा हूँ उस अच्छे वाले रोड पे। ऐसा रिएक्शन मार्केट का सीन देख रहे हो। ठंडी के मौसम में सभी अपने घर के अंदर रहते हैं। अभी हम अपने सुहाना को धुलाई करने वाले हैं। देखते हैं शहर में तो बहुत धुलाई है, यहाँ पे देखते हैं कैसी धुलाई होती है और कैसी लगती है। और एक चीज़ यहाँ पे ये है कि यहाँ पे धुलाई होने के बाद ना 2 मिनट में तुरंत गंदे होने वाली है, तुरंत ही गंदी हो जाएगी क्योंकि इतनी ढेर सारी मिट्टी है। देखते हैं, फिर भी देखते हैं कितने टाइम तक चलता है ये। तो अपने आप खुद से करे ही ये हो गया, आगे के वाइजर हो गया थोड़ा थोड़ा। फाइनली भाई लोग अपने बड़े भैया बस धुलाई कर रहे हैं और यहाँ पे मैं गांव में बहुत टाइम के बाद वीडियो शूट कर रहा हूँ और गाड़ी भी धुलाई करवा रहा हूँ। देखते हैं कंपैरिजन में। और भैया का चार्जिंग भी बहुत सही है, मैक्सिमम 50 रुपये में इतना मस्त गाड़ी धुलाई। अभी तक तो लग रहा है कि बहुत मस्त धुलाई कर रहे हैं, आगे देखते हैं कि आगे कैसा लगता है। और उसके बाद पूरी फाइनल धुलाई होने के बाद देखते हैं। आपको एड्रेस बताऊँ तो ये रसुल्हा में है गाँव में। अगर जो जो लोग मेरा वीडियो गाँव से देख रहे हैं तो रसुल्हा में बस 3 किलोमीटर निगोहे के रास्ते में ये पड़ेगा, ये दुकान है। और सिर्फ गाड़ी धुलाई करते हैं बड़ी भाई। एक और बड़ी बात है कि ये सब गाड़ी धुलाई करते हैं, ऐसा तो मैंने सूरत गुजरात में कोई सर्विस सेंटर नहीं देखा, मतलब धुलाई के लिए नहीं देखा। बट जो भी है बढ़िया है, सभी गाड़ी धुलाई करते हैं। तो चलो देखते हैं धुलाई होने के बाद कैसी लगती है अपनी सुहाना। A few moments later. Finally, भाई लोग देखो अपनी सुहाना मस्त धुलाई हो गई है, कि जहाँ तक भैया ने मस्त धुलाई किया है। अभी चमक रही है, थोड़ी देर में चलेगी रोड पे फिर वापिस वही रूप ले लेगी। इतना गंदा ये पीछे का व्हील होता है। तो फाइनली अभी चलो भैया पैसा लेके आ रहे हैं। चलो माने हाँ धन्यवाद। चलो भैया हाँ बैटरी वाली ना पेट्रोल वाली हो? हाँ देखा या ना है, एक सेल्फ कंपनी से बनाओ था जल्दी खराब ना होते, बैटरी उतरे तभी खराब हुई। अगर फिर भी अगर खराब हुई है तो धक्का मारे ना है ऐसे ना ना है ना है नयके में आवा तो या फिर हम करें ना ही शायद कभी ऐसा हो सकता है या फिर हाँ हाँ हो ही जाते हम कहूँ ट्राई ना करे ही चला। हाँ चल भी बहुत मस्त रहे। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि यार गाड़ी धुलाई करने से पिकअप आ जाता है, मिट्टी आ जाती है ना तो वो सब मिट्टी वो फील नहीं दे पाती है। और फाइनली हमें वो रास्ता भी मिल गया है जिसपे सुहाना एरोप्लेन बन जाती है। रास्ता भी मस्त, सब कुछ मस्त। चलो अभी हमको बस बाइक धुलाई करवाना था, बाइक तो धुलाई करवा लिया, अब थोड़ा सा राउंड मार के आते हैं। यूपी में ट्रैफिक एक रोड
रोड ऐसा है ना कि भगाने का मन करता है और भगाने में मजा आता है। ना देखे अरे यार पहले गाइस बाइक कूद गई फिर से कूद गई गाइस अपनी बाइक फिर से कूद गई यार। इसके अंदर ऑयल कम है थोड़ा सा तो ये पूरा टच हो जा रहा है। ये हमारे बड़े भैया जीत भैया तो देना चाहिए यार एक पट्टा देना चाहिए वहां पे जैसे लोगों को मालूम पड़े। बोर्ड भी नहीं है बोले क्या बताएं अभी यहाँ पे। छोटू आपकी साइकिल दोगे आप ले लो बैठ जाओ यार। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि चैन सूख गया होगा तो मैं इस पे स्प्रे मार देता हूँ तो मुझे इस पे स्प्रे मारना है। हालांकि गाड़ी धुलाई करवाई है तो स्प्रे मारना बनता है। ये रहा स्प्रे भैया अब तू चलावा ना दो मिनट हाँ भैया। तो फाइनली गाइस मारने का ऑप्शन नहीं हो रहा यार मैं पहले यहाँ पे बैठ के मार देता था ना होए तो मैं बाइक चला रहा हूँ भैया मार रहे हैं सब जगह लग गया ना। हाँ तो फिर डन हो गया। डन तो फाइनली भाई लोग यहाँ पे एक फेमस लौंग लगता है लौंग लत्ता और हम वहाँ पे गांव का बहुत फेमस लौंग लगता है वहाँ पे हम खाएंगे और फिर चलेंगे। बहुत फेमस लौंग लगता है और हम यहाँ पे खाने वाले हैं। भैया दूठे लौंग लत्ता कह दिया खाई भा बहुत दया आ रही है मैं खाऊं कि इसको दूं। तो फाइनली ये बहुत फेमस लौंग लगता है यहाँ पे जो शहर में भी मिलता है बट ये ओरिजिनल माल है और गांव का जो रहता है वो डुप्लीकेट मिलता है। देख रहे हो ना कितनी ट्रैफिक है तो समझ जाओ कितना प्योर माल होगा ये चाहिए। तो फाइनली गाइस एक बार फिर से भगाने मन कर रहा है क्योंकि ये रोड तो फिर हमारे हाथों से जाने वाला ही है। गाइस भैया बाइक लेके आ रहे हैं और सामने हम पानी पूरी खाने वाले हैं। मैं पैदल ही चल रहा हूँ कैसा लगा था तो भैया मार्केट में चला रहे हैं बाइक और ऑफ रोड पे बाइक चला रहे हैं और मैं सामने पैदल ही बस ऐसे जा रहा हूँ और देखो भैया का कैसा फील आ रहा है जंपिंग ये पूरे अपने आलमगंज मार्केट में है और बहुत दिन के बाद आलम वहाँ पे सामने पानी पूरी पहले खाने वाले हैं वहाँ पे रिएक्शन देखते हैं। और चाचा नमस्कार तो चलो यहाँ से भी थोड़ा पानी पूरी खा लेते हैं फिर उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। मेरी आवाज़ नहीं आ रही होगी भैया एक बार एक्सीलेटर जोर से तो अभी हम यहाँ पे पानी पूरी खाएंगे फिर उसके बाद आप लोगों से बाद में मिलते हैं ठीक है। ये भैया तो हमको जानते ही है कैसे बड़े भैया चलो पानी पूरी खाने के बाद आप लोगों से फिर मिलते हैं।
फाइनली गाइस अभी पानी पूरी खा लिया है और भैया उधर से आ रहे हैं और भाई को बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छा पानी पूरी बनाते हैं। अभी हम जाते हैं घर पे। सुहारा इधर है, बस तो धुलाई उलाई करवा दिया है, अपने भैया राइडिंग कर रहे हैं और भैया के राइडिंग भाई एक नंबर है। अरे तो चलो अभी घर पे चलते हैं, बाय बाय। हाँ बाहर की गाड़ी है बंद बा। आ गया बस सामने एक अपना स्पोर्ट बाइक आ गई है, चार पैरों वाली।